नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले भारत की गुप्तचर संस्थाएं, निदेशक और उनके अध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि तीन सेनाओं के प्रमुख है, उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और लास्ट में हम क्विज भी रखे हैं दोस्तों, उसमें आप ये यहाँ पर पढ़िए और देखिए ध्यान से, और लास्ट में क्विज अटेम्प्ट करिएगा। रियल में दोस्तों ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए कंफर्म हो जाए, जब तक ये चेंज नहीं होते। ठीक है, और यहाँ दोस्तों आपके जो कि वायु सेना अध्यक्ष हैं, एयर मार्शल, ये भी चेंज हो चुके हैं, तो हम यहाँ ट्रिक से आपको याद करवाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, वैसे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सीबीआई के निदेशक कौन है प्रेजेंट में? हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखें कैसे बोलते हैं ना, सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए, जब भी सीबीआई अपने हाथ में केस लेती कोई चीज को, इतने सवाल पूछती क्यों, सवाल पूछते पूछे ही उसको क्लियर हो जाता है। जायसवाल बहुत ही सवाल पूछते कौन, सीबीआई। जब भी सीबीआई जांच होती तो सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल इधर उधर के, ताकि बिल्कुल खुलासा हो सके कोई भी चीज का। और दोस्तों, जब तक कब तक पूछे, सुबोध, जो अपने आप में सुबोध, जब तक बोध ना हो जाए जब तक सवाल पूछती है कौन, सीबीआई जांच। ठीक है, बोलते हैं सीबीआई जांच बैठ गई तो सीबीआई बहुत ही जायसवाल सवाल पूछते जी, और लास्ट में जय तो होती है। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी दोस्तों क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, अब देखिए इसको याद रख कैसे, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि इसके आयोग के आयुक्त हैं दोस्तों, अध्यक्ष आपको लीजिए सुरेश एन पटेल। देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द सतर्कता आप याद करिए, सतर्कता। ठीक है, सतर्कता, और सतर्क भाई साहब आप किससे रहेंगे, सुरेश, सुर, जिसका बोलते ना सुर ताल, बिल्कुल से होता है, बिल्कुल से अगर उसका लाजवाब सुर है, सुर बहुत ही अच्छा है, तो भाई उससे सतर्क रहो। बोलते ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, इसलिए हर समझ सकते हैं, हर सुरीली चीज वो नहीं हो सकती जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा, सतर्क भाई किससे रहो, जो अच्छा सुर, सुरीली आवाज से भाई हमेशा सतर्क रहो, पता नहीं क्या हो जाए दोस्तों, इस तरह आपको याद रहेगा। ठीक है, सुरेश सुर, सुर अच्छा सुर से आप हमेशा सतर्क रहो जी, सतर्क रहो। ठीक है, और देखिए यहाँ था सीवीसी, यानी कि यहाँ पर सीसी कैमरा का सेंस दे रहा, सीवीसी, सीसी कैमरा, और सीसी कैमरे भी लोग क्या सतर्क हमेशा रहते हैं, मतलब उस तरह काम नहीं करते। ठीक है, इस तरह भी आप इसको याद रहेगा, सीवीसी, क्योंकि सीवीसी सीसीसी यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, सीसी कैमरा होता ना तो यहाँ डबल सी आता दोस्तों, याद रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, सीवीसी सीसी, तो इससे आप क्या सतर्क रहो। अब देखिए अगला क्या है, सीआईसी, थोड़ा सा मैच हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये दोस्तों क्या है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, मुख्य सूचना आयुक्त है, देखिए यशवर्धन कुमार सिन्हा इसके हैं अध्यक्ष है, आयुक्त हैं। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है सीआईसी और यहाँ सूचना। देखिए सूचना, अगर कोई भी चीज की, जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम की कोई सूचना है, अगर बोले कि आपकी एग्जाम की सूचना चाहिए, आप बोलेगी यस, यशवर्धन यस चाहिए, आप सूचना को मना नहीं करेंगे, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, यस सूचना चाहिए भाई, यस आई वॉन्ट सूचना, इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यस चाहिए, बिल्कुल आपको इस तरह याद आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सीएच भी आता है, सीआईसी, यानी सीएच जब ग्राउंड, मतलब जब अपहरण के लाया गया था, तो उनको भी सूचना हनुमान जी दिए थे कहाँ है, ये भी इस तरह सूचना दिया, और सूचना से यस, कोई भी सूचना हमेशा यस करेगा कि हमें सूचना चाहिए, यस यस वर्धन। ओके, देखिए है एनआईए, यानी कि दोस्तों क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके है प्रमुख कौन है, कुलदीप सिंह है। देखिए इसको याद रखेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़िए, एनआईए यानी कि नया का सेंस थोड़ा, देखिए निया निया, नया नया, रियल में नया, नया बोलते ना, नया कुल के लिए हमेशा दीप जलाने वाला चाहिए। ठीक है, मतलब नया कुल कब होगा, वो जब उसमें दीप जलाने वाले बोलते रहते हैं दोस्तों, तो नया कुल में हमेशा दीप, नया कुल निया, नया कुल में हमेशा दीप जलता रहता है, ऐसे बोलते थे कुछ याद रहेगा। ठीक है, नया कुल में हमेशा दीप जलता रहता है, और जहाँ अगर जांच से पकड़े, देखिए जांच अगर किसी चीज की होती है तो पूरी होती है, पुल जांच होती है किसी चीज की। ठीक है, इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। देखिए आरएडब्ल्यू, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके सामंत गोयल है इसके प्रमुख है, देखिए याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता रा, यानी रा का अर्थ अगर समझे सीधा, मीन्स तो कच्चा होता, कच्चा बोलते ना, कच्चा तो बोलते ना, इतना सामत मेरी नहीं आई जो मैं कच्चा कुछ भी खाऊं, कच्चा मेरी सामत इतनी नहीं आई, क्या मेरी सामत, बोलते हैं क्या मेरी सामत आई जो मैं कच्चा खाऊं, रा
कच्चा खाऊं क्या, मेरी सामत आई, सावंत सामत आई, जो मैं कच्चा खाऊं जी, इस तरह आप इसको बोल देंगे तो सच में याद आ जाएगा। और गोयल आता ना, गोयल यानी कोयल, और कोयल की क्या होते हैं, पंख होते हैं, यानी चिड़िया से रिलेटेड है। और विंग यहाँ आता है पंख, यहाँ विंग मीन्स पंखा, यहाँ भी आपको विंग से याद करें, अगर प्रफॉर्म से आप याद करेंगे तो विंग आता है, और विंग कोयल गोयल, यहाँ से भी आपको कन्फर्म रहेगा दोस्तों, रियल में नहीं भूलेंगे दोस्तों। जब भी हम टेस्ट करेंगे, देखिए आपको चुटकियों में ये शब्द उड़ाएंगे। देखिए ईडी आता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेंस, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय, जो कि इसके प्रमुख है, अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। अब इसको हम याद रखें कैसे शब्द, यहाँ आता है ईडी यानी एडी, एडी का आप तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, ईडी एडी। अब जैसे एडी में होता है, कभी कभी हम बैठे होते या खड़े होते तो एक तरह का झुन बोलते ना, कंपन सा बिल्कुल हो जाता, काम नहीं करता बिल्कुल, ऐसे होता है संजय सन, बिल्कुल सन्न पड़ जाता, संजय सन्न, क्या हमारी एड़ी सन्न पड़ जाती दोस्तों, हम क्या चल नहीं पाते, इस तरह बिल्कुल से लगता है कि कितना भारी हो गया पैर हमारा, सन्न, सुन बोलते सुन्न होना, सुन्न सुन्न यानी संजय सन्न होना, क्या एड़ी एड़ी, रियल में दोस्तों ऐसा होता है, आपके कभी होता होगा दोस्तों, जब भी एड़ी में क्या होता है कि बैठे या फिर खड़े होते, जब नस वस दब जाती इधर उधर की, तो बिल्कुल संजय बिल्कुल सन्न पड़ जाती, क्या एड़ी एड़ी सन्न पड़ जाती जी, याद रहेगा हमेशा संजय कुमार। अब देखिए अगला क्या है, थल सेना ध्वज, जो कि इसके बोलते क्या, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाले हैं। देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ से थल 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 में कौन होता है, रहते हैं तो आप बोल सके नर, नरवाले नर, नर नर नारी हमेशा थल में रहते, क्या जल में रहते, नहीं जी, नर तो मतलब सीधा सीधा कनेक्ट है, थल में कौन रहता है, नर वाले नर रहते हैं, ठीक है, मुकुंद, और वो आप सकते हैं मुकुंद यानी मकन, मकन मकन मकान भी बनाते हैं, थल में बनाते हैं, इस तरह दोस्तों थोड़ा सा आप नरवाड़े को क्लिक कर देंगे तो पूरा याद आ जाएगा। देखिए नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल इसको बोलते हैं दोस्तों, अगर इसमें भी आपको कंफर्म करें दे दोस्तों एक दो, जैसे कि एडमिरल किस कहाँ बोलते हैं, एयर मार्शल, तो जैसे एडमिरल थोड़ा डाउट है, देखिए दोस्तों यहाँ मिरल आता है, बोलते ना मिनरल वाटर, मिनरल वाटर, तो दोस्तों यहाँ से आपको मिनरल वाटर से याद रहा जाएगी, वाटर यानी कि नौसेना, ठीक है, मिनरल वाटर, ओके। तो देखिए दोस्तों इसको हम याद कैसे, कर्मवीर, देखिए कर्मवीर यानी कर्म शब्द आता है, बोलते ना कर्म ही प्रधान है, कर्म बोलते ना कर्म, अंधता मनुष्य के जो कि कर्म की पोटली होती है वो कहाँ जाती है, अंधता आप बोलेंगे जो अंत्येष्ट होती है उनकी, कर्म की पोटली होती है सीधे गंगा जी में अर्थात पानी में, ठीक है, पानी में जाते हैं, और पानी पानी सीधा सीधा नौसेना लिंक रहेगी आपकी, नेवी नाव, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों पानी में बहा दी जाती है, कर्म कर्म की पोटली, लास्ट में इंसानों की, कर्मवीर सिंह यहाँ से आपको याद आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक होगी लेकिन रियल भी है। देखिए वायुसेना प्रमुख कौन है, चेंज हो चुके हैं दोस्तों, एयर मार्शल है, भदौरिया जी के स्थान पर आ गए हैं, जी के एयर मार्शल इनको बोलते हैं, ठीक है, एयर एयर यानी कि एयर मार्शल। देखिए विवेक राम चौधरी, इनकी वी आर चौधरी, ठीक है, अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द था राम, ठीक है, राम जी, और देखिए राम जी आप बताइए कि राम जी क्या करते थे युद्ध के दौरान, जब उनके रथ मिला था क्या इंद्र जी का, तो उड़ते थे, ठीक है, उड़ते थे हवा में, हवा से दोस्तों वायु में क्या उड़ते थे, राम जी, और यहाँ पर दोस्तों कहीं आपको नहीं मिलेगा ऐसा नाम, तो यहाँ से आपको याद रहेगा राम जी वायु में उड़ते थे, ठीक है, और चौधरी आता ना चार, और वायु भी होती है वायु, वायु भी चारों तरफ होती भाई साहब, ठीक है, चौधरी नहीं चारों तरफ क्या होती वायु होती, इस तरह भी आपको याद रहेगा। तो दोस्तों आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, तो चलिए अब चलते हैं टेस्ट की ओर, पूरा तरीके से आप ये समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो चलिए टेस्ट सॉल्व करते हैं, आपको सच में याद होता है नहीं, ठीक है जी। तो चलिए दोस्तों देखिए आपको फटाफट से कैसे चुटकी मुड़ाते हैं, ठीक है, तो देखिए नंबर एक पर है CIC यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त के मुख्य प्रमुख कौन है, हमने याद किया था नहीं, सूचना, सूचना चाहिए या नहीं चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे यस यस यशवर्धन, यस चाहिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए क्या है, CBC CIC पढ़ लिया, अब CBC देखिए यानी कि सतर्कता, केंद्रीय सतर्कता, भाई साहब सतर्क किससे रहना चाहिए, सुरीली मीठी आवाज़ से, ठीक है, सुरीली, हर क्या बोलते हैं ना कि हर चमकती सी चीज सोना नहीं होती, अर्थात सुरेश एन पटेल, बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्या है, आपको सच में दोस्तों याद होते होंगे CBI भाई एक बार बैठती है तो क्या हजारों सवाल पूछती है, हजारों यानी कि हजारों, और कब तक पूछती, जब तक बोध नहीं होते, नहीं सुबोध कुमार जायसवाल, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी है, ठीक है जी। अब देखिए ये भी आपका क्लियर हुआ दोस्तों, जब तक चेंज नहीं होते आपको याद रहेंगे, ओके। अब देखिए अगला क्या है, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग,
यानी कि दोस्तों इतनी सामत नहीं आई जो मैं रा खाऊं, रा मतलब कच्चा खाऊं, इतनी सामत अभी मेरी नहीं आई कि मैं रा खाऊं, भाई पका कर खाऊंगा भी रा नहीं खाऊंगा, यानी सामन से सामत और गोयल से कोयल, अगर आपको याद हुआ तो ये भी याद हुआ होगा, यानी कि विंग कोयल के पंख होते हैं, ठीक है। अब देखिए ईडी आता है, ईडी यानी कि एडी जैसा सेंस देते हैं एडी, और एडी यानी कि दोस्तों एडी में क्या होता है झुन्न, यानी कि दोस्तों छन बिल्कुल झनझनाने लगती हैं, जब कभी होता है झन बिल्कुल सोने लगती हैं, सुन्न पड़ जाती, सुन्न इस तरह का थोड़ा साउंड निकलता है संजय कुमार मिश्रा में, ठीक है, संजय यानी सन्न हो जाती हैं बिल्कुल क्या एडी, ठीक है। अब देखिए एन आई ए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, भाई नया नया क्या कुल कुल और कुल नया नया होता है, उसमें दीप जलाए जाते हैं नया निया नया, ठीक है जी, और जांच जांच भी होती तो कुल जांच होती चाहे जब भी हो, ठीक है, इस तरह हम इसको भी याद किए थे नहीं, कुलदीप सिंह बिल्कुल सही है आंसर। अब देखिए अगला क्या है, तो सॉरी दोस्तों अब नहीं है, तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी, और आपको तो याद होगा दोस्तों अभी तक यानी थल थल में कौन रहे थे नर, यानी नरवणे मनोज मुकुंद नरवणे, और उसी तरह वायु याद किया था वायु चारों तरफ चौधरी आर्यन चौधरी, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हमने याद किया था क्या नेवी यानी कि नौसेना, नौसेना अंततः मनुष्य क्या कर्म की पोटली जाती कहाँ जाती है जल में, यानी कि दोस्तों तो जल सेना तो आपको याद हुआ, यानी कि दोस्तों क्या हुआ कर्मवीर, ठीक है कर्मवीर सिंह, इस तरह हमने याद किया था। क्लास सच में आपको बिल्कुल 100% तक याद हो चुके होंगे और एक भी गलत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ, और जो भी अगर डाउट टॉपिक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास, जय हिंद जय भारत।